जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल की लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल की लब आजाद है तेरे। बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल की लब आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा और आज बोल में इन दो विषयों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। मुद्दा नंबर एक, शाहजहांपुर से एक लड़की गायब है। आरोपी है एक भारतीय जनता पार्टी नेता स्वामी चिन्मयानंद, पूर्व गृह राज्य मंत्री, खुलेआम हरिद्वार में घूम रहा है। पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की। सवाल ये कि क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सुरक्षित पनाहगार बनती जा रही है? हम आपके सामने तर्क रखेंगे। मुद्दा नंबर दो, वो मुद्दा क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी को किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो वो पाकिस्तान के शरण में क्यों चली जाती है? आखिर वो पाकिस्तान की गोद में जाकर क्यों बैठ जाती है? ये भी हम आपको बताएंगे तथ्यों के साथ, लेकिन आगाज करना चाहेंगे इस रूह कपा देने वाली खबर के साथ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्नाव गैंगरेप की पीड़िता गुहार लगाती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, उसके पिता की मौत हो गई थाने के अंदर, उसके बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर को भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी से नहीं निकाला। उस शख्स के चलते उस लड़की का पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया गया है। आज वो संघर्ष कर रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या यही हश्र इस लड़की का भी होगा? जी हां, यह लड़की जिसने सार्वजनिक तौर पर फेसबुक लाइव में कहा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ये नेता स्वामी चिन्मयानंद कई लड़कियों को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सबसे पहले एक छोटी सी झलक देखिए इस लड़की की, और हमने जानबूझकर इसकी पहचान को छुपाए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं लड़की सुरक्षित रहे। क्या कह रही है लड़की, आप सुनिए। शाहजहांपुर से एसएस लॉ कॉलेज से एलएलएम कर रही हूँ। संत समाज का एक बहुत बड़ा नेता जो कि बहुत लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है और मुझे भी जान से मारने की धमकी देता है। मुझे मोदी जी और योगी जी से एक रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज मेरी मदद करें। उसने मेरे परिवार तक को मारने की धमकी दी है। मुझे पता है मैं इस टाइम कैसे रह रही हूँ। मोदी जी प्लीज प्लीज मेरी हेल्प करिए। आप वो सन्यासी पुलिस डीएम सबको अपनी जेब में रखता है, इस बात की धमकी देता है वो। कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास उसके खिलाफ सारे एविडेंस हैं। मुझे प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप लोगों से कि आप मुझे प्लीज इंसाफ दिलाइए। सवाल ये नहीं कि लड़की भाग गई या स्वामी चिन्मयानंद का हाथ था उसे भगाने में या उसके गायब होने में, सवाल वो नहीं है। सवाल ये तस्वीर है, आप देखिए किस तरह से खुलेआम एफआईआर दर्ज होने के बाद भी, जी हां, लड़की के गायब होने में एफआईआर दर्ज हुई है स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ, मगर यह शख्स खुलेआम हरिद्वार के आश्रम में घूम रहा है, सवालों के जवाब तक नहीं दे रहा है। सुनिए, हरिद्वार में आप हरिद्वार जुड़े हुए हैं तो कुछ तो बता दीजिए महाराज जी बारे में। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, फिर भी बात नहीं मानते हैं। मुझे कुछ नहीं कहना, कैसे कुछ भी नहीं कहना। कैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कानून की पढ़ाई कर रही 23 साल की एक छात्रा शनिवार से गायब थी, इसी के चलते चिन्मयानंद के खिलाफ धारा 364 506 के तहत अपहरण और आपराधिक धमकी का मामला दर्ज कराया गया है। आप कहेंगे कौन है स्वामी चिन्मयानंद, तो हम आपको बताना चाहेंगे इनकी तारीफ क्या है।
स्वामी चिन्मयानंद उत्तर प्रदेश के गोंडा के निवासी हैं, बीजेपी से 3 बार सांसद रह चुके हैं, जौनपुर बदायूं और मछली शहर सीट से वो सांसद रहे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में गृह राज्य मंत्री थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते साल 25 फरवरी को शाहजहांपुर गए थे, वहां उन्होंने स्वामी चिन्मयानंद के आश्रम में आयोजित युवा महोत्सव में भाग लिया था। चिन्मयानंद पर पहले भी बलात्कार और अपहरण के आरोप लगे हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वो तमाम जो बलात्कार के आरोप थे उसे वापस ले लिया निहायत ही विवादास्पद हालात में। 2018 में योगी सरकार ने इस पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज रेप और अपहरण केस वापस लेने का फैसला किया था। स्वामी चिन्मयानंद पर 7 साल नवंबर 2011 को शाहजहांपुर में एफआईआर दर्ज हुई थी। अपहरण और रेप का आरोप उनकी ही आश्रम के कई वर्षों तक रहने वाली एक युवती ने लगाया था। आज मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वाले बलात्कारियों को लेकर एक सुरक्षित पनाहगाह बन गई है? मैं आपको क्यों कह रहा हूं दोस्तों, और कीजिए इस शख्स पर, कुलदीप सिंह सेंगर, इस पर तो पॉक्सो के तहत इसकी गिरफ्तारी हुई थी, मगर भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक अरसे तक पार्टी से नहीं निकाला। नतीजा क्या हुआ? इस शख्स ने अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल करते हुए लड़की के परिवार को की हालत बद से बदतर कर दी। अब एक एक्सीडेंट में उसका पूरा परिवार, मां को छोड़ के गैंगरेप पीड़िता का पूरा परिवार मौत के घाट उतार दिया जा चुका है, और उस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर आरोपी है। मुद्दा नंबर एक। मुद्दा नंबर दो, गौर कीजिए शख्स पर, एमजे अकबर, ये विदेश राज्य मंत्री थे। मी टू के सबसे ज्यादा गंभीर आरोप इन पर लगे। जब ये एक अखबार के संपादक थे तो इन पर आरोप लगे कि किस तरह से इन्होंने यौन शोषण किया तमाम महिलाओं का जो इनके साथ काम कर रही थी। कई महिलाएं इनकी दास्तानें लेकर सामने आई हैं। आखिर क्यों? अब गौर कीजिए इस शख्स पर, साक्षी महाराज। क्या आप जानते हैं साक्षी महाराज पर 35 आपराधिक मामले हैं जिसमें गैंग रेप को लेकर भी आरोप है। साक्षी महाराज, इनकी तारीफ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। जब बलात्कारी राम रहीम को अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी, तब साक्षी महाराज राम रहीम को सही साबित करने में लगे हुए थे, और जो दो बलात्कार पीड़िता थीं उनके बारे में कह रहे थे कि उनकी बात मानने की क्या जरूरत है। ये तब जब वो बलात्कारी साबित हो गया था। यही नहीं, कुलदीप सिंह सेंगर से भी जाकर साक्षी महाराज लगातार मिलते रहे। तो मैं क्यों ना मानूं कि इस तरह के लोगों के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षित पनाहगाह बन गई है बीजेपी। अब इस शख्स पर गौर कीजिए, लक्ष्मण सावदी। 2012 में ये शख्स कर्नाटका की विधानसभा में पोर्न देखते हुए पकड़े गए थे। बाद में इन्हें अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। क्या आप जानते हैं येदियुरप्पा ने, कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने इन्हें डेप्यूटी सीएम बना दिया है। पूरी दुनिया में आपको ये लक्ष्मण सावदी साहब ही मिले, वो लक्ष्मण सावदी जिन्हें यह तक नहीं पता कि उनकी लक्ष्मण रेखाएं क्या है। दोस्तों, ये तमाम मिसालें बताने के बावजूद मेरा मानना है, मैंने सवाल ही किया था, मगर मेरा निजी तौर पर मानना है कि नहीं, बीजेपी बलात्कारियों के लिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, इसके तर्क को, इसके पीछे के लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्यों में बीजेपी सरकार है, अधिकतर राज्यों में बीजेपी सरकार है, और आप जानते हैं कि अगर राजनीतिक दलों पर अंकुश नहीं होगा, उनकी हरकतों पर, उनके क्रियाकलापों पर सवाल नहीं होगा, तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया सवाल नहीं करता बीजेपी से। आप खुद जानते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर सवाल तक नहीं किए सलीके से बीजेपी ने। स्वामी चिन्मयानंद को लेकर वो जोर नहीं है उनके स्वर में, उनकी वाणी में। तो जब इस तरह के हालात होंगे तो जाहिर सी बात है कि एक राजनेता की दबंगई बढ़ेगी, वो अपने ताकत का बेजा इस्तेमाल करेगा। सवाल सिर्फ बीजेपी का नहीं है, बीजेपी की जगह शायद कोई और पॉलिटिकल पार्टी भी होती
और उसे इस तरह की खुली छूट होती, यानी कि राष्ट्रवाद के नाम पर, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर आप कुछ भी करते रहें और आप पर कोई अंकुश नहीं है। जी हां, क्योंकि या तो आप राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं, या आप हिंदुत्व का सहारा लेते हैं, या फिर आप पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ जाते हैं। कैसे? क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है बोल के लब आजाद है तेरे में हमारी आज की दूसरी पेशकश। मोदी जी की आलोचना करो, पाकिस्तान चले जाओ। सरकार की नीतियों पर सवाल करो, पाकिस्तान चले जाओ। पाकिस्तान को जितनी तरजीह, जितनी अहमियत भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5.5 सालों में दी है, ऐसा आजाद भारत के इतिहास में पाकिस्तान को कभी नहीं मिला। पाकिस्तान भारत की तुलना में एक दोयम दर्जे का राष्ट्र था, मगर आज हमने पाकिस्तान को अपनी बराबरी पर ला दिया है। मैं आखिर यह बात आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट राहुल गांधी पर करारा हमला बोला है। कहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के हाथ का खिलौना बन गए हैं, हमला करने का जरिया बन गए। प्रकाश जावड़ेकर ने इस मुद्दे पर बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो तो मैं आपको बताऊंगा, मगर सबसे पहले सुनिए स्मृति ईरानी क्या कह रही है इस मुद्दे पे। जो पाकिस्तान को भाए, आज भारत का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा नेता भी भारत में है जो तिरंगे की कम सोचता है, तिरंगे को कम आंकता है और दुश्मन देश को ज्यादा भाता है। इस मुद्दे को लेकर जाहिर सी बात है कांग्रेस में बौखलाहट है। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी का ये ट्वीट आता है जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। मैं कई मुद्दों पर इस सरकार से इत्तेफाक नहीं रखता, मगर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कश्मीर भारत का आंतरिक मुद्दा है और इसमें पाकिस्तान या किसी विदेशी देश के दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। कश्मीर में हिंसा है, जम्मू कश्मीर में हिंसा है। यह हिंसा इसलिए है क्योंकि इसे पाकिस्तान जो है वो इंस्टिगेट कर रहा है, समर्थन दे रहा है, जो दुनिया में आतंकवाद का प्राइम सपोर्टर है, मुख्य प्रायोजक है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रकाश जावड़ेकर राहुल गांधी पर तो हमला कर ही रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने भारत के एक हिस्से को पाकिस्तानी करार दे दिया या पाकिस्तानी समर्थक करार दे दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर। कह रहे हैं कि जब से उनकी सीट अमेठी से वायनाड हुई है, तब से राहुल गांधी के तेवर बदल गए हैं। क्या कह रहे हैं आप खुद सुनिए। यानी मुझे कभी कभी लगता है वायनाड से जीते तो सोच भी बदली। अरे कम से कम अपने देश की जनता, अपने देश की जमीन को तो बख्श दो। सिर्फ इसलिए कि वायनाड से राहुल गांधी सांसद हैं, इसलिए वायनाड जो है वो पाकिस्तानी परस्त हो जाता है। इस पर बेशक प्रकाश जावड़ेकर ने स्पष्टीकरण दे दिया हो, मगर आप कहने की कोशिश क्या कर रहे थे मान्यवर? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब बात हो ही रही है कि कौन पाकिस्तानी है या कौन पाकिस्तानी परस्त है और पाकिस्तान की स्कीम ऑफ थिंग्स में कौन फिट बैठता है, तो आइए इन दो चीजों पर गौर करते हैं। मुद्दा नंबर एक, गौर कीजिए इमरान खान के इस बयान पर। यह बयान इमरान खान का चुनावों से ठीक पहले आया था, जिसमें इमरान खान ने कहा था कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही अगला प्रधानमंत्री बने। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी से कश्मीर मुद्दे पर बात करने में आसानी होगी। यानी कि इमरान खान चाहते थे कि नरेंद्र मोदी ही बने अगले प्रधानमंत्री। ऐसे में दोस्तों मुझे बताइए कि आखिर किसे माना जाए पाकिस्तानी परस्त। मैं स्पष्ट कर दूं, इमरान खान के इस बयान देने से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी पाकिस्तानी परस्त नहीं हो जाती है, मगर मैं यहां पर बीजेपी का लॉजिक उन्हीं पर इस्तेमाल कर रहा हूं। वो कौन सी कहावत है, अपनी क्या अपने सिर। याद है कि नहीं आप? यही नहीं दोस्तों, और कीजिए इस किताब पर, इसका नाम है स्पाई क्रॉनिकल्स। इसे लिखने वाले दो शख्स हैं, ए एस दुलत, जो कि भारतीय गुप्तचर विभाग में बहुत बड़ा नाम रहे हैं, और दूसरा असद दुर्रानी, जो कि आईएसआई चीफ थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि असद दुर्रानी इस किताब में क्या लिखते हैं। द रिएक्शन इन पाकिस्तान टू मोदीज इलेक्शन एज द प्राइम मिनिस्टर वॉज दैट इट सर्व्ड इंडिया राइट, लेट मोदी टेक केयर ऑफ इंडिया, डिस्ट्रॉय इट्स इमेज एंड पॉसिबली डिस्ट्रॉय इट्स इनर बैलेंस। आई हैव नॉट बीन इंप्रेस्ड बाय हिज एंटिक्स। What did he mean crash landing after giving Pakistan an earful in Afghanistan?
He comes to Raivind to attend Nawaz Sharif's granddaughter's wedding, and his drama and tamasha merely created spectacular confusion. देख रहे हैं आप, खुद आईएसआई के एक जो चीफ रहे हैं वो खुद कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि मोदी बने प्रधानमंत्री. क्यों? क्योंकि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इससे देश की छवि को नुकसान पहुंचेगा. जरूरी नहीं कि मैं इस बात पर विश्वास करूं, मगर मैं आपके सामने तर्क रख रहा हूं दोस्तों कि खुद पाकिस्तान किसे चाहता है, किस पॉलिटिकल पार्टी को चाहता है. और ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी दूसरों को ज्ञान देती है ना, तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे. आखिर में दोस्तों, पाकिस्तान क्या सोचता है, क्या करता है? कुछ दिनों पहले तो हम मजाक उड़ाते थे पाकिस्तान का, अब वो हर बात जो करता है सोचता है उस पर क्या हमारी जिंदगी निर्भर करेगी? क्या जमाना था जब हम प्रतिस्पर्धा करते थे जापान के साथ, चाइना के साथ, अमेरिका के साथ? अब हमारे लिए मापदंड रह गया है पाकिस्तान. जो सही है गलत है वो एक अलग मुद्दा है, मगर आप देखिए हमारी सोच किस हद तक सीमित होती जा रही है. क्यों? क्योंकि अगर हम पाकिस्तान तक अपनी चर्चा को, अपने नैरेटिव को, अपने संवाद को सीमित रखते हैं तो उसका सीधा सियासी फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है. मैंने गलत कहा या नहीं? आप सबसे अपील कि हमारे इस शो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत. नमस्कार. Thank you.